छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में ग्राम मेहंदी में हनुमान जी का एक ऐसा पावन धाम है, यहाँ हनुमान जी बाल रूप में विराजमान है। यही नहीं, हनुमान जी की प्रतिमा की आकृति निरंतर बढ़ती ही जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव हैं, और इस बात की पुष्टि यह धाम करता है। विज्ञान भी यहाँ की महिमा देख हैरान रह जाता है। आखिर क्यों सिद्ध है छत्तीसगढ़ में स्थित मेहंदी का हनुमान मंदिर, जानिए इस रिपोर्ट में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मंदिर का तो अनादिकाल से है, जिस प्रकार से अभी शिवराम भगवान हैं, खरौद में लक्ष्मण महादेव हैं, सेम उसी के समान उसी के समकालीन हनुमान जी महाराज जी हैं। लेकिन इनका कोई लिखित रूप में कोई ऐतिहासिक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम देखते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे धार्मिक स्थल हैं और इस क्षेत्र का माना हुआ पौराणिक या ऐतिहासिक धर्म स्थल है। सेम हनुमान जी महाराज उन्हीं के समकालीन ये भी हैं। तपती गर्मी में कर नापते मेहंदी के हनुमान मंदिर जाते परिवार के सभी सदस्यों के भगवान के प्रति समर्पण को देख आप समझ ही गए होंगे कि इस मंदिर की महिमा कितनी अपरंपार है। जिस तरह राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के पामगढ़ तहसील के ग्राम मेहंदी में स्थित हनुमान जी का दक्षिण मुखी मंदिर भी प्रसिद्ध है, जहां से आज तक कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। इस मंदिर की अनेकों कहानी और किस्से मंदिर की प्रसिद्धि का बखान करते हैं। मेहंदी के हनुमान मंदिर के इतिहास की माने तो प्राचीन काल में हनुमान जी की प्रतिमा को पूर्व के राजा लेकर कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में पड़े मेहंदी गांव पहुंच उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी को रख कर थोड़ा विश्राम किया। जब वह पुनः वहां से जाने निकले तो उक्त हनुमान जी की मूर्ति वहां से उठी ही नहीं, जिसके बाद से ही मेहंदी में हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर स्थापना कर दी गई। मेहंदी में हनुमान जी की स्थापना के बाद से ही दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती गई। यही नहीं, गांव की कई विपदा से भी मेहंदी में विराजे हनुमान जी ने बचाया है। मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित लखनदास जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज मंदिर के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ के मेहंदी गांव में स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर उनका बाल स्वरूप है, जहां सच्चे दिल से मनोकामना मांगने से अवश्य पूरी होती है, जिससे प्रभावित भक्त और मेहंदी गांव के लोगों के अथक प्रयासों से मंदिर के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर ही यहां भी राजस्थान के मशहूर मकराना पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कि हनुमान जी का बहुत ही चमत्कारिक है, आप यहाँ जो भी आप कामना करोगे तत्काल आपको फल मिलेगा, ये श्रद्धालु भक्त लोग बताते हैं। और ऐसे हजारों ऐसा केस हैं, तो किसी का तत्काल हुआ है, किसी का कुछ दिन बाद हुआ है, किसी का 6 महीने बाद, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख रहे हैं जो नारियल बंधा हुआ है, ये मन्नत का नारियल है, जो आप मनोकामना करोगे चाहे जैसा भी हो, संपत्ति की, व्यापार का, या शादी ब्याह का, बच्चों का पढ़ाई का, बुद्धि विकास के लिए, जो भी आप मन्नत बांधोगे नारियल, तो हनुमान जी महाराज पूरा करते हैं।
साथ ही साथ गांव वाले विचार किए कि थोड़ा सा अच्छा बनना चाहिए, प्रस्ताव रखे सबके बीच में। तो हमने देखा कि ये हनुमान जी का ऐसा विशेष प्रभाव है इस क्षेत्र में। मैनी हनुमान जी आप देखेंगे राजस्थान में, मैनपुर बालाजी हैं, वहाँ भी वही चमत्कारिक हैं, वही रूप हनुमान जी का बाल रूप है, हनुमान जी का स्वरूप बाल रूप है, उनका भी चमत्कार है। इनके इतने अनुयायी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, तो आराम से मंदिर बन जाएगा। जो आप देखें अयोध्या जी में रामलला का मंदिर बन रहा है, वही पत्थर उसी खदान से वो पत्थर लाल पत्थर यहाँ आ रहा है। तो हमने यही रखा कि ये बनना चाहिए, तो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से काम चालू है और प्राय हमारा शिवलिंग तक काम हो चुका है। हनुमान जन्मोत्सव के बाद में हम वो कार्य आगे बढ़ाएंगे। मेहंदी के हनुमान मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर आपको मानसिक शांति एवं खुशी मिलती है। हनुमान जी यहाँ पर आपके सारे कष्ट दूर कर लेते हैं तथा आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही मेहंदी मंदिर में बाल स्वरूप में विराजे हनुमान जी की प्रतिमा निरंतर बढ़ रही है। विज्ञान भी यहाँ की महिमा देख हैरान है। इसकी जानकारी देते हुए गांव के ही रहने वाले धर्मेंद्र देवांगन ने बताया कि हनुमान जी की प्रतिमा सालों से निरंतर बढ़ रही है, साथ ही यहां आने वाले भक्तों की हर समस्या का समाधान हनुमान जी करते हैं। हमारे यहां का हनुमान जी जो मेहंदी में विराजमान है वो बहुत ही फेमस और सिद्ध है, और यहां से यहां का दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं, और नहीं बता सकते कि कहां कहां से आते हैं, लेकिन काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और यहां की मान्यता है कि हनुमान जी का आकार बहुत छोटे थे, आज से हम कहां चाहिए, आज मेरे को 23 सालों के दुकानदारी करते हुए यहां पे, और जो सुना उसको बता रहा हूं मैं कि जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग लोग बताते थे कि यहाँ का जो हनुमान जी है उसका आकार बहुत छोटा था इसे, लेकिन आकार जो है धीरे धीरे कहां चाहिए बढ़ रहे हैं। मेहंदी के हनुमान मंदिर पर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की काफी भीड़ रहती है। दूर दूर से भक्त आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। वह बताते हैं कि इस हनुमान मंदिर पर अगर कोई भक्त सच्चे मन से मुराद मांगता है तो उनकी बहुत ही जल्द मुराद पूरी हो जाती है। वहीं मंदिर परिसर में बरगद के पेड़ पर लगे विभिन्न शाखाओं में मन्नत पूरी करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा लाल कपड़े में नारियल पर अपना नाम लिखकर बांध दिया जाता है, जिससे निश्चित ही रूप से हनुमान जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। हम लोग यहाँ बहुत वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक है। यहाँ के जो हनुमान जी हैं वो बहुत ही सिद्ध हनुमान जी हैं, और जो भी मनोकामना मन में लेके भक्त आते हैं उनकी मनोकामना हनुमान जी बिल्कुल पूर्ण करते हैं, ऐसा हम लोगों को भी विश्वास है और हम लोग प्रत्यक्ष देखे भी हैं। और यहाँ अभी भी मैं कुछ हमारी मन्नत थी और मन्नत पूरा होने के बाद हम लोग पुनः भगवान का आशीर्वाद और दर्शन करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मान्यता है कि भगवान राम पृथ्वी पर अपना उद्देश्य पूरा करके वैकुंठ चले गए थे, लेकिन भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम हनुमान जी को अमरता का वरदान देकर पृथ्वी पर रहने का आदेश दे गए थे। यही कारण है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति और उपासना करता है, हनुमान जी उनकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मेहंदी गांव में विराजे हनुमान जी है, जिनके आगे कलयुग के बड़े से बड़े काल नतमस्तक रहते हैं। बीसीसी न्यूज के लिए भुवनेश्वर बंजारे और रमेश राजपूत की रिपोर्ट।